ज्यूरिख स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा शहर और फाइनेंशियल कैपिटल है। ये फेमस है अपने हाई एंड शॉपिंग स्ट्रीट्स के लिए। वर्ल्ड की बेस्ट चॉकलेट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ओल्ड टाउन तो है ही, और हाँ, स्विस बैंक को बिल्कुल भी मत भूलिएगा, वो भी यहीं पे है। तो चलो आज हम ना ज्यूरिख को बिल्कुल इंडियन और देसी स्टाइल में नापते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो फाइनली वेट इज ओवर एंड आई एम टॉकिंग फ्रॉम स्विट्जरलैंड। तो यूरोप में बाकी जगहों की तरह यहाँ भी आप देख सकते हो इतनी सारी साइकिल्स खड़ी हैं। तो लोग कितना ज़्यादा साइकिल यूज़ करते हैं इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो। हमारी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई इसके लिए हमको एक थोड़ा सा छोटा सा रिकैप लेना पड़ेगा। म्यूनिक से ज्यूरिख आने के लिए हमने फ्लिक्स बस ली। हमको ऑलमोस्ट 5 घंटे लगे। कंफर्टेबल जर्नी थी एंड गेस व्हाट, दिस वाज द चीपेस्ट ऑप्शन। तो आप भी ट्राई कर सकते हो। इन्हीं का सबसे ज़्यादा मन था स्विट्जरलैंड घूमने का, और फाइनली तो ज्यूरिख में हम लोग 2 दिन के लिए स्टे करने वाले हैं। और हमारा जो हमने अपार्टमेंट बुक किया है, एक पूरा अपार्टमेंट ही बुक कर लिया है, वो हमको अभी 4 बजे मिलने वाला है। ऑलमोस्ट हमारे पास 3 घंटे हैं थोड़ा सा सिटी घूमने की। तो हम लोग मेन सिटी में हैं, अभी सिटी घूमेंगे, उसके बाद फिर हम अपार्टमेंट पर जाएंगे। तो आपको भी घुमाते हैं। ये ज्यूरिख का सेंट्रल स्टेशन है। यहाँ पे कुछ टीवी शो वाले आए थे और वो टीवी का रिकॉर्डिंग वगैरह कर रहे थे, तो मम्मी लोग को देख के ना बहुत एक्साइटिंग लगा। उन लोग भी ना फोटो वोटो भी वहाँ पे खिंचाई, तो अच्छा लगा। मतलब अब हम लोग निकलने वाले हैं ज्यूरिख के हाई एंड शॉपिंग स्ट्रीट की तरफ। और यहाँ पे ना बड़े बड़े लोगों को ना गरीब महसूस होने लग जाता है, बिकॉज यहाँ बात डायरेक्ट लाखों करोड़ों में होती है। तो देखते हैं कितना महंगा है। ये जो स्ट्रीट देख रहे हो ना ज्यूरिख की, ये ज्यूरिख की ही नहीं वर्ल्ड की वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट रियल स्टेट में से एक है। तो जब भी आप दुकानों के बगल से गुजरोगे राइट, तो ऑब्वियसली बहुत हाई फाई दुकानें हैं, और वहाँ पे आपको 1-2 लोग सूटेड बूटेड दिखेंगे जो पर्सनली, जैसे आप वॉच भी खरीदने जाओगे ना, तो वो पर्सनली आपसे वॉच खरीदवाने के लिए आपसे डील करेंगे, आपको जूस कॉफ़ी ऑर्डर करेंगे, उसके बाद बहुत ही अच्छे से मतलब काटेंगे इंडियन लैंग्वेज में। 50-50 लाख की घड़ियां हैं, 1-1 करोड़ की घड़ियां हैं। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली और हाई फाई इलाका है ये। ये घड़ी देख के मम्मी बोल रही है कि ये घड़ी देखो एकदम कढ़ाई वाली। यहाँ पे जो घड़ियों की शॉप है ना, उसमें इतनी कीमती घड़ी यहाँ लगी हैं कि कैन यू बिलीव, कि उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स लगाए गए हैं। और आप ज़्यादा इधर उधर करोगे तो सिक्योरिटी गार्ड तुरंत आपके पास आ जाएगा। और मम्मी पता क्या बोल रही है उस घड़ी को देख के, क्या इतना दाम लगा है, मुझे तो कुछ खास इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। मम्मी आपने इतनी महंगाई देखी, इतनी महंगी महंगी चीज़ें देखी, इतनी महंगी महंगी सड़क देखी, आपको क्या फील हो रहा है? क्या बताएं, बड़ा बुरा फील हो रहा है, कुछ खरीद ही नहीं पा रही हूँ। सही बात है, सही बात है। अपना इंडिया अच्छा है ना? बहुत अच्छा है, मेरा इंडिया बहुत अच्छा है, सस्ता है, बहुत बढ़िया है। जो चाहो वो खा लो, जो चाहो वो खरीद लो, जो चाहो वो पहन लो। सही बात है। सच में आप सब लोगों ने स्विस बैंक के बारे में तो बहुत सुना होगा। तो मेरे जस्ट पीछे है क्रेडिट स्विस, और यही है स्विस बैंक की मेन ब्रांच, ज्यूरिख में है। और हम इंडियंस के बहुत सारे पैसे इस ब्रांच में जमा है इस समय। और मम्मी भी मौके पे चौका मार के फोटो खिंचाई लिया। ज्यूरिख में आके सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है कि टिकट कौन सा ले ट्रांसपोर्ट का। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने कैसे टिकट लिया है। स्टेशन के पास कोई भी टिकट मशीन हो, उस पर आप 24 आवर टिकट सेलेक्ट करो। यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट सेवरल टिकट्स। उसके बाद आप नंबर ऑफ एडल्ट सेलेक्ट कर लो, और उसके बाद आप उधर साइड में कार्ड को यहाँ पे लगा के पे कर सकते हो, और टिकट अपना आपका जो डिस्पेंसिंग एरिया है यहाँ पे, वहाँ से टिकट आपका निकल आएगा। ये 24 आवर का टिकट ले लिया है, और ये मुझे पड़ा है 8.8 CHF, जो भी स्विट्जरलैंड की करेंसी है, मतलब लगभग 9 यूरो का मुझे ये 24 आवर का टिकट लगा पड़ा है। और यही सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल ऑप्शन है। और दोस्तों फाइनली स्विस बैंक से पैसे मिल गए। शाम
के 4 बजने वाले हैं और हमको हमारा अपार्टमेंट मिलने वाला है। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देती हूँ कि स्विट्जरलैंड के घर कैसे होते हैं। आप देखो, बहुत ही ब्यूटीफुल और थोड़े डिफरेंट है जर्मनी से। तो अभी हमने जो अपार्टमेंट लिया है 2 दिन के लिए, उसका मैं क्विकली टूर करा देती हूँ। ये डाइनिंग एरिया है, यहाँ पे किचन है अंदर। किचन में सब फैसिलिटीज़ हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे गैस स्टोव है, ये ड्रॉर्स हैं, कटलरी वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, ये डस्टबिन है, ये डिश वॉशर है, ये अवन है, कॉफ़ी मशीन है। देख, ये बाथरूम है सिंपल सा, ये है लिविंग रूम, कुछ ज़्यादा ही स्पेशियस है, इतनी हमको ज़रूरत भी नहीं है, बहुत ही स्पेशियस है। एंड यहाँ पे बालकनी है, आप बालकनी में बैठ के मस्त कॉफ़ी पी सकते हो, बहुत बड़ी बालकनी है। तो चलते हैं, एक और बाथरूम है ये विद द बाथटब। ये एक बेडरूम है, बहुत बड़ा बेडरूम है। ये दूसरा बेडरूम है, यहाँ से आपका स्ट्रीट का व्यू है, एकदम मेन स्ट्रीट का, और यहाँ से अपार्टमेंट का है। एंड द बेस्ट पार्ट, यहाँ पे रेडी होने के लिए मिरर भी है। अभी हम लोग आ गए हैं ज्यूरिक के मोस्ट आइकॉनिक लोकेशन पर, कि जब भी आप ज्यूरिक की फोटो देखोगे राइट, तो यही पिक्चर दिखाई जाती है ज्यूरिक की फोटो पे। तो मैं आपको वो लोकेशन दिखाती हूँ, आप देखो और खुद डिसाइड करो कि ये वर्थ है क्या। ये मम्मी है एकदम फर्स्ट मस्त एंजॉय करती हुई सीन को, आप देख सकते हो। पहली बार कोई चीज अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगा है। सुबह से ये दुखी थी कि इनको चाट फुल्की नहीं मिल रहा है, अब इनको फाइनली अच्छा सीनरी मिला तो इनके चेहरे पे एक अलग ही स्माइल आ गई है। तो मैं अभी हूँ क्वाई ब्रुके पे, और ये पता है एकदम यहाँ पे बहुत सारा हसल बसल है, आपको लोग आते जाते दिखाई देंगे। यहाँ पे ये लेक है, उसके किनारे किनारे आपको बहुत सारे लोग, जैसे हमारे गंगा जी के सामने होती हैं सीढ़ियाँ, वैसे प्रॉपर सीढ़ियाँ हैं, लोग बैठे हुए हैं, दाना वाना खिला रहे हैं बर्ड्स को। आराम से आप यहाँ पे आके शाम के टाइम में ना बैठ सकते हो, टाइम स्पेंड कर सकते हो जब बहुत ज़्यादा टायर्ड हो। तो मुझे तो अभी तक का ये बेस्ट स्टॉप लगा, तो मैं अभी आगे जाऊँगी और बैठूँगी और आराम करती हूँ। तो मम्मी, आपको डर लग रहा है क्या पानी में पैर लटकाने से? तब क्या बोलती हैं कि हमको पहाड़ घूमना है, हमको नदी घूमना है, जब डरती हैं इतना? तो पहाड़ अच्छा लगता था तो पहाड़ पे कूद जाए जाके क्या। देखने में अच्छा लगता है। तो बस इतना सा था मेरा आज का ये वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड मैं आपसे कल मिलती हूँ। देखते हैं कल हम क्या एक्सप्लोर करते हैं।